मोबाइल फोन ने आज लोगों की जिंदगी जरूर आसान बना दी है, लेकिन मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल लोगों को भारी भी पड़ रहा है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में मोबाइल फोन है। इसका इस्तेमाल जो है इस वक्त न सिर्फ एडल्ट्स कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हैं और उन्होंने एक बहुत आसान तरीका चुना है कि उनके बच्चे शोर ना करें, कोई डिमांड्स ना करें, तो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दो। उससे क्या होता है, वो खाना भी खा लेंगे, वो रोएंगे भी नहीं और वो अपने बाकी काम भी करेंगे। लेकिन किस तरह के इल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं जब आप एक छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन देते हैं? इट लीड्स टू ऑटिज़म, डिसलेक्सिया, कई सारी ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। जब फिर आपका बच्चा ग्रो करता है, आप उसमें वो देखते हैं। माता पिता ये सोचकर बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि उन्हें बच्चे परेशान नहीं करेंगे और वो इस दौरान अपना काम आसानी से कर लेंगे। लेकिन ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों की मेंटल ग्रोथ बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कोविड का टाइम भी था, आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन ही वाज अराउंड 10 मंथ्स। सो मैं तो हॉस्पिटल में होती थी, लेकिन वो घर पे होता था मेड के साथ, एंड उसके फादर भी होते थे, बट आई गेस फादर्स डोंट रियली नो हाउ टू एक्ट अपॉन ऑल ऑफ इट। सो ही वाज यूज्ड टू दिस टीवी, हर वक्त टीवी था, तो खाते वक्त भी टीवी था। तो हाँ, आई थिंक दैट वाज डेफिनेटली वन। एंड सेकंड, कोविड की वजह से बच्चे बहुत कन्फाइंड रह गए घर में और बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं, सो आई थिंक दैट एडेड अपॉन टू ऑल ऑफ दिस। हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा उसमें थी, ज़्यादा, और वो रात में सोता भी नहीं था और खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाता था, और हाइपर ज़्यादा होता, हाइपर होने से वो ज़्यादा उधर इधर ज़्यादा घूमता था। देखिए, अगर पहले हम देखेंगे जो मोबाइल है, मोबाइल हमारे लिए एज आ गई थी एज अ टेक्नोलॉजी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने ये शायद इंटेंशन बनाया था कि ये हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो इजी कर देगी। बट वी नो कि जैसे हमारे कंसेप्ट है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन मोस्टली हमारी जो मदर्स होती है उनको फैमिली एंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, फिर यहाँ पे फर्दर एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बच्चों की तरबियत डेवलपमेंट देखनी होती है। बट जब उनको फैमिली बर्डन ज़्यादा होता है तो उस बर्डन को ओवरकम करने के लिए वो बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा देते हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि फ़ोन देने से शायद बच्चा काम होता है, रिलैक्स होता है, तो इस टाइम में मैं अपने घर का जो भी काम है वो काम करूंगी या जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको ओवरकम करने की कोशिश करूंगी। तो आइए जान लीजिए ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देखने वाले बच्चों में क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं। बच्चों को ज्यादा मोबाइल देने के नुकसान। बच्चों का सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है। बच्चों का बिहेवियर प्रभावित होता है। बच्चों में इमोशनल डिसऑर्डर हो जाता है। बच्चों का लैंग्वेज भी प्रभावित होता है। बच्चे ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, खाने को लेकर ज्यादा नखरे करते हैं, सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड नहीं खाते हैं, शोर सुनने पर परेशान हो जाते हैं, बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है, बच्चों को टास्क कंप्लीट करने में कठिनाई होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस में काफी कमी देखी गई है, बच्चों का रेस्पॉन्डिंग पावर कमजोर हो जाता है, ज्यादा स्क्रीन देखने से नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, बच्चे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, बच्चे अपनी एक अलग दुनिया में खोए रहते हैं, बच्चों का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, बच्चों को नींद भी नहीं आती है। ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से ऐसी समस्या देखने पर अभिभावकों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें किसी पास के रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना चाहिए। मुझे आपसे बात करनी है, फाइल्स भी अगर मैं अपने कानों में कॉटन लगाऊंगा, रुई लगाऊंगा, देन इफ यू विल स्पीक विद मी, आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। जब तक मैं सुनूंगा नहीं, आई वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इट। तो सेम वे है, कभी कभी बच्चों में हियरिंग लॉस हो जाता है, दैट कैन बी द रीजन फॉर स्पीच डिले और फॉर अ लैंग्वेज डिले। सो जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है, आई ऑलवेज सजेस्ट देम गो फॉर अ हियरिंग टेस्ट, बट दे ऑलवेज से मेरा बच्चा तो ठीक सुनता है, वाई शुड वी गो फॉर अ स्पीच, सॉरी फॉर अ हियरिंग टेस्ट। पर देखिए, अल्लाह ताला ने हमें दो कान दिए हैं, ठीक है ना, इट इज़ अबाउट लोकलाइजेशन, राइट साइड से सुन रहा है, लेफ्ट साइड से। कभी कभी आप देखोगे
इट्स नॉट ओनली बच्चे में, एडल्ट में भी एक कान कम्प्लीटली डेड है 100%, बट स्टिल वी आर एबल टू हियर, बट देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन लोकलाइजेशन. सो कभी कभी बच्चे में अगर स्पीच, सॉरी हियरिंग लॉस है, इट कैन इम्पैक्ट अवर लैंग्वेज एज वेल एज स्पीच डिले. काइंडली ट्राई टू एक्नॉलेज दीज थिंग्स, इन चीज़ों को एक्नॉलेज और आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और अर्ली रेफरल की ज़रूरत है. जहाँ पर भी नियर बाई सेंटर से बच्चों को लेके जाइए, वहाँ पर बच्चों को इंटरवेंशन करा लीजिए. इससे आपके बच्चे की अच्छी खासी हेल्प हो सकती है, आप बच्चे को वक्त पर ठीक कर सकते हैं. तो संभल जाइए और लोगों को भी जागरूक कीजिए कि बच्चों को मोबाइल देना कितना नुकसानदायक हो सकता है. मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बेशक करें, जैसे यहाँ के डॉक्टर्स ने भी कहा, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को लिमिट कर दें, ताकि आपका बच्चा जो है उसका जो जहनी दबाव रहता है उस पर, वो कहीं ना कहीं कम हो. ऐसा ना हो कि अगर आप देर कर दें, बच्चे के हाथ में 24 घंटे फ़ोन रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है या रोज़मर्रा के काम है वो आसान हो पाए. नहीं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपके बच्चे जो हैं उनमें डिस्लेक्सिया हो सकता है, उनमें ऑटिज्म हो सकता है. न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज़ के साथ में सरोज कफ.